म्यूजिक की क्लास। बजरंगी बजरंगी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अंकुश, मैं म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो गया। बजरंगी के होते अंकुश लेट हो ही नहीं सकता। अंकुश को ड्रॉप करके अभी आया दोस्तों, कॉन्सर्ट चालू रहेगा अपना। फिर उड़ा, हमने देखा, हमारी मूछों ने भी देखा। बस एक बार ये आखिरी दुकान भी मेरे हाथ में आ जाए, फिर पूरे कॉम्प्लेक्स को तुड़वाकर शानदार शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। फायदा ही फायदा। अरे लेकिन जीजा जी, वो मास्टर दुकान खाली करने के पेपर पर साइन करे तब ना। सुंगी सेठ, मैं अभी आपको फोन ही करने वाला था। बड़े तोता राम, तुम हमको फोन करो ना करो, लेकिन दुकान खाली करवाने का इंतजाम करो, वरना मैं कौन चढ़ा किसी और को दे दूंगा पुंगी बजा के। अरे अरे नहीं नहीं, नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 दिन में दुकान खाली हो जाएगी। बॉस, झूठ तो आपने बोल दिया है, लेकिन 10 दिनों में दुकान कैसे खाली होगी? बेंजो सर ऐसे सिखाते हैं कि भुलक्कड़ भजनी को भी सुरयाद होते हैं सोते सोते। 10 दिन में बांसुरी सिखाऊंगा, वरना दुकान में ताला डालकर चला जाऊंगा। अरे दुकान में ताला ही तो डलवाना है। ताला डल गया समझो जीजा जी, रंगा को यहाँ बांसुरी सीखने भेजेंगे, वो बांसुरी सीखेगा नहीं और मास्टर चैलेंज हार जाएगा। मास्टर आउट और आप इन, समझ गए ना? सोते सोते। अरे हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। बाबा बाबा बाबा, सोता क्या आइडिया दिया है, तू इतना भी नालायक नहीं है जितना मैं समझता हूँ। बच्चों, आज से रंगा भी तुम लोगों के साथ फ्लूट सीखेगा। मारने से पहले तुम्हें फ्लूट कैसे पकड़ना है ये सीखना पड़ेगा। इसे जोर से पकड़ो और अब फूंक मारो। मैंने जोर से पकड़ने को कहा था, तोड़ने को नहीं। ये लो दूसरी बांसुरी और बजाओ। बस करो रंगा, बस करो। सुन लिया? रंगा को बांसुरी बजाना तो दूर, ढंग से फूंक मारना तक नहीं सिखा पाए। अब तुम्हारे पास सिर्फ गिने चुने दिन बचे हैं, दुकान के लिए ताला ढूंढ लेना। अरे लेकिन लेकिन सुनिए तो सही। सर, तोता अंकल आपको धमकी क्यों दे रहे थे? रंगा अब तक बांसुरी में फूंक मारना भी नहीं सीखा, अब चैलेंज के हिसाब से मुझे 10 दिन में जगह खाली करनी पड़ेगी। चैलेंज? आप बेफिक्र रहिए पुंगी सेठ, दुकान की चाबी मेरे हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। उड़ी के दोते दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा।
पापा मुझे घोड़ों की सवारी करनी है। अरे इन गधों पर घोड़ों की सवारी का मजा नहीं आएगा मेरे बेटे। यही तो हम भी समझा रहे हैं बॉस कि अगर घोड़े की सवारी करनी है तो बॉस की करो ना। गुड आइडिया। अरे अरे नहीं, सोच लो पापा, मैं बांसुरी बजा दूंगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। रंगा को हॉर्स राइडिंग का हवाई मजा दे दिया जाए। अरे पापा, मैंने घोड़ा बनने बोला था, गिद्ध नहीं। उड़ गए कुत्ते। अब तो तू बांसुरी नहीं बजाएगा ना मेरे बेटे। तो मुझे बांसुरी सीखनी ही पड़ेगी, उसमें मेरा ही फायदा है। हाँ बस मुझे एक रिमोट वाली कार, एक ड्रोन, फिलहाल बस इतना ही चाहिए, नहीं तो। ठीक है मेरे बेटे। अंकुश, तोता अंकल नहीं चाहते कि रंगा बांसुरी सीखे ताकि वो बेंजो सर की क्लास को खाली करवा सके। हाँ, उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ बेंजो सर की क्लास ही है। तोता अंकल शायद वो बिल्डिंग गिराना चाहते होंगे। अब क्या होगा? रंगा, अब तुम्हें धुन बजानी है। रंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो अब भी अच्छी बांसुरी बजाना सीख सकते हो। मैं मेरे फायदे के लिए सीखूंगा। बच्चों, कल तुम सबका टेस्ट होगा, सभी तैयारी के साथ आना। मेरे प्यारे लाडले बेटे, देखना गलती से भी बांसुरी मत बजा देना, तुझे टेस्ट में फेल होना है, है? समझ गया ना? बाबा, मेरे गिफ्ट तो पता है ना? है? बिल्कुल अपने बाप पर गया। मैंने तेरा गिफ्ट तैयार रखा है बेटा। हाँ, तुझे टेस्ट में फेल होकर ये गेम मिलेगा और मुझे दुकान। है? बढ़िया, आपका मुन्ना बांसुरी सीखता है। बांसुरी तो हमको बहुत पसंद आता है, पुंगी बजा के। आपको बांसुरी पसंद है? हाँ बड़ी, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा बांसुरी बजाएगा तो हम तुमको प्रॉफिट का 10% एक्स्ट्रा देगा, पुंगी बजा के। 10%? उड़ गए तोते। अगला परफॉर्मर है रंगा। बेटे, प्लान में थोड़ा चेंज है, है? तुझे कैसे भी हो बांसुरी बजाना है, बांसुरी। पापा, अभी तक तो आप कह रहे थे कि बांसुरी नहीं बजानी है, अब बोल रहे हो बजानी है। पहले डिसाइड कर लो ना क्या करना है। ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मैं इसे बांसुरी बजाने से मना क्यों करूंगा भाई? भला बताओ रंगा, चाहे जो कर लेकिन बांसुरी बजनी चाहिए, समझे? बजाएगा बजाएगा। बेंजो सर, तुमने तो कमाल कर दिया। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम दुकान खाली करने को राजी हो जाओ तो नए माल में मैं तुम्हारे क्लास के लिए पूरा का पूरा फ्लोर दे दूंगा, पुंगे बजा के। वाह सर, आपको तो नए मॉल में पूरे फ्लोर का ऑफर मिल रहा है, सोच क्या रही है।
अब मुझे ऑफर मंजूर है, थैंक यू पुंगी सेठ। मॉल का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा ही है ना? आप बगैर सर से 10 दिनों में बांसुरी सीख लो तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा नहीं, पुंगी बजा के। उड़ी गए तोते।